टिफिन अभी के सेगमेंट में हम आपको कहते हैं खुश आमदेद। और आज रमज़ान के समय के हमारे इस ट्रांसमिशन में टिफिन अभी के सेगमेंट में इस साल जो है वो आगा साहब का हमारा आखिरी शो इसलिए है क्योंकि आगा साहब कल जा रहे हैं उम्रे की सआदत जो है वो हासिल करने के लिए। तो आगा साहब हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, हम तो आपको बड़ा मिस करेंगे। कहीं और जा रहे होते तो आपको पता हम रोक देते, लेकिन अब आप ऐसी जगह जा रहे हैं कि हमने अपना सलाम भी पहुँचाना है वहाँ पर। आगा साहब, आगा साहब एक रिक्वेस्ट और, बल्कि याद आ गई, अच्छा हुआ आज आप आ गए क्योंकि आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाएंगे यकीनन इंशाल्लाह। और फिर वहाँ सामने जन्नतुल बकी में आज हम जिनका जिक्र करें इमाम हसन की जगह है वहाँ पे, तो उनको भी हमारा सलाम कहेगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास सलाम। और फिर हम सबको, सबके लिए ये दुआ आपने करनी कि हम सब वहाँ पे इलाही आमीन जीते रहें, ऐसा जीते रहें। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात, जीते रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे। आज हम बात कर रहे हैं तलबीना पर जी। तलबीना के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अनहा की एक रिवायत है, वो ये कि जब हमारे यहाँ कोई बीमार होता था तो तलबीना बनाया जाता था। तलबीना कुव्वत बख्श है और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे मैदे को इस तरह धो देता है बीमारियों से जैसे तुम अब पानी से अपने चेहरे को धो लेते हो। क्या बात है, क्या बात। और दूसरी बात ये कि एक और बात जो उन्होंने फरमाई वो ये कि ये तुम्हारे दिल के गमों को हल्का। अच्छा, यानी कि ये आगा साहब, यानी ये सिर्फ एक फिजिकल इलाज नहीं है, स्पिरिचुअल इलाज भी है। और जब जाहिर है, जब उम्मुल मोमिनीन की तरफ से हदीस आ रही होगी तो क्या ही बात। और हमारे बुजुर्ग जो अक्सर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये तो अहादीस है, जाहिर है कि इसका कोई वो नहीं। बिल्कुल, तहकीक की बात करते हैं वो ये कि जो हमारे जिस्म के एंडोर्फिन्स होते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स के बैलेंस के लिए जौ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। वेरी नाइस। अच्छा, अब जो हम बना रहे हैं इसमें मैंने दो चीज़ें खास तौर पर कहनी है, वो ये कि जौ जो है वो लोग ये समझते हैं कि जो वो मुख्तलिफ किस्म के जौ के कॉम्बिनेशन आते हैं जो डब्बों में पैक होते हैं, मैं ज़ाती तौर पर उसे इसलिए पसंद नहीं करता कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव शामिल होते हैं। अगर आप इस तरह जौ लेंगे जो कुटी हुई जौ है तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है तलबीना बनाने के लिए। ठीक, तो अगर फर्ज करें कि हम तलबीना बनाएंगे तो इसमें हम 3 से 4 चमचे हम डालेंगे इसके अंदर जौ का, कुटी हुई जौ। लोग आमतौर पे कहते हैं जौ का दलिया, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कुटी हुई जौ। पहले मैं उसको भूने से पानी भी डालूं? मैं पानी डालेंगे, पहले भूनना तो नहीं, जरा सा भूनने ज़्यादा अच्छा। अच्छा ठीक। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड हम डालेंगे इसके अंदर वो डालेंगे दूध। जो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबीना का फरमाया है उसमें जौ है, दूध है, शहद है और खजूर है। अब मैं शहद की तारीफ़ें करूं, मैं जौ की तारीफ़ें करूं, मैं खजूर की तारीफ़ें करूं, मैं किस किस की तारीफ़ें करूं, इन तमाम तारीफ़ों को अगर यज्ञ कर दिया जाए तो वो है तलबीना। तलबीना एक सवाल ऐसी से रिलेटेड, ये पकेगा बहुत देर से पकेगा क्योंकि जौ है ना? देखिए ऐसा है, इसको आमतौर पर पकाने का तरीका ये है कि रात को आप इसे उबाल कर रख दीजिए और सुबह इसको बनाइए और सुबह इसको खाइए। अगर किसी बीमारी के लिए आप ले रहे हैं तो सुबह नाश्ते में अगर आप ये ले रहे हैं तो इसके बाद इसमें आप इजाफा कर सकते हैं अलसी के बीजों का, आप इसमें इजाफा कर सकते हैं बादाम का, आप इसमें इजाफा कर सकते हैं अखरोट का, हर चीज इसको एड ऑन करती जाएगी। अच्छा, और जो हमने खजूर डाली वो हम कब डालेंगे इसमें? आखिर एक सवाल आगा साहब, मेरा एक सवाल ये है कि ये जो जौ जिसकी आप बात कर रहे हैं आजकल तो वही बात है जो आप बता रहे थे, बॉक्सेस में पैक मिलती है, तो क्या ये आम पैकेट में दालों की तरह मैसर है बाजार में? हम बढ़िया, तो क्या कह के लेंगे आप, कौन सी वाली? कुटी हुई जौ, कुटी हुई जौ, जौ का दलिया। ठीक है, जौ का दलिया सिंपल। हाँ, अक्सर वो कोई डिफरेंट भी होता है ना, कोई ब्राउन होती है, कोई कोई पतला होता है, वो जो होते हैं वो इंस्टेंट वाले होते हैं। अच्छा, इंस्टेंट वाले, ये जो ओरिजिनल है वो ये वो है जो हलीम में डलता है। हाँ जी, अच्छा मुझे जो ये कॉम्बिनेशन देख के समझ आ रहा है, ये सारी ताकत वाली चीजें हैं जिसमें कार्ब्स भी हैं और एनर्जी खजूर में भी, शहद में भी, तो ये आपकी बॉडी को बहुत नरिश कर देती होगी। बहुत ज्यादा नरिश करेगी। और इसके साथ साथ एक और चीज, जो
फ्री रेडिकल्स हैं, ये उनको मारती है। और अगर आज की तहकीक के मुताबिक बात करूं तो यकीनन ये वो है जो एंटी कैंसर दवा हो सकती है। वेरी नाइस, सारे भाई बड़े गौर से देख रहे हैं और मुझे लग रहा है सारे भाई ने इरादा किया कि कल से ये पीसी का नाश्ता करें। बिल्कुल, मैं ये बाखुदा ये सोच रहा था, सोच रहे आप सही कह रहे हैं कि आप कल से इसी का नाश्ता करें, क्योंकि एक तो न्यूट्रिशियस वैल्यू इसकी है, दूसरा अगर सैरी में वाकई इसको खाया जाए, इसमें दूध भी है, इसमें जौ भी है जो आपको ताकत भी देगा, इसमें खजूर भी है जो कि आपको एनर्जाइज रखेगा। अच्छा, शहद डालें ना डालें, दैट इज ऑप्शनल ना, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो मैं आपसे अर्ज करूं, अगर शहद डालेंगे तो वो हुक्म पूरा हो जाएगा। और मैं लोगों से अर्ज करता हूं कि तलबीना खाएं, जौ खाएं, जो मर्जी खाएं, लेकिन अगर तलबीना बनाकर खा रहे हैं तो इस खाते वक्त दुरूद शरीफ जरूर पढ़िएगा। माशाल्लाह, जिसका हुक्म है उसको रेफर करिए। आगे सब ब्रेक पे जाने पहले क्विक क्वेश्चन, अच्छा आप ही पूछ लीजिए कि लोग ये समझते हैं कार्ब्स है, तो ये जरूर बता दें कि इट्स अ गुड कार्ब्स और ये कितने हेल्दी कार्ब्स। देखिए, कार्ब्स से जान कहां छुड़ा सकते हैं, ये जो आजकल लोगों ने फैशन बना लिया है कि मल्टीग्रेन आटा उसमें एक मरतबा कार पढ़ के जो देखिए कम से कम नहीं है, हेल्दी कार्ब्स और हमारा ब्रेन और हमारा पूरा फंक्शन कार्ब्स पे। एक सवाल मुझे जाना था, जब आपने क्योंकि कल आप जा रहे हैं उम्रे, फिर आपने कहा था ना मैं एक बार बताऊंगा पराठे के बारे में कि जो पराठे में कितनी कैलोरीज होती हैं, तो बहुत सारे लोग जो मैं देख रहे हैं वो कह रहे हैं अब सैरी 15 रमजान 15 रोजे रह गए और सैरी में तो आपको पता है पराठे का मजा ही और होता है। देखिए, अगर हाथ के बराबर आप रोटी बना रहे हैं तो ये 7 से लेकर 9 इंच की रोटी होती है, इसके अंदर टोटल जो आटा इस्तेमाल होता है वो 50 ग्राम होता है। 100 ग्राम आटे में 318 कैलोरीज होती हैं, इसको हाफ कर दीजिए तकरीबन 160। अगर सब खवातीन का हाथ होगा तो छोटा बनेगा, ये इतना बड़ा हाथ बन गया ना तो आपने कौन से पराठे बनाने देसी की मुझे बताएं पहले जरा। नहीं, जिसने खाना उसके हाथ, शुक्र आप इजाज़ असलम नहीं यहाँ पे हमारे खड़े थे, वरना साइज तो इतना सब खा के क्या करेंगे, खाना तो सही तरह खाएं पराठा वरना ना खाएं। अच्छा आगे सब एक क्विक क्वेश्चन है ब्रेक पे जाने से पहले, वाटर रिटेंशन जो लोगों को हो जाती है यानी पानी की कमी से भी होती है, पानी की ज्यादती से भी जिस्म में, अक्सर खवातीन ये सवाल आया, खवातीन के पैरों में स्वेलिंग हो जाती है अक्सर, आंखों में आप देखते हैं पानी ना पीने की वजह से स्वेलिंग, उसका कोई इलाज जल्दी और लेकिन कैलोरी बता दे, पराठे की कैलोरी, पराठे की कैलोरी में से 160 कैलोरी का आटा, उसमें नमक पानी और उसके बाद घी, घी में मैं आपसे करूं कि 1 टेबलस्पून में 8 ml घी होता है, 8 ml में 72 कैलोरीज होती हैं, अगर 160 को 72 जमा करें तो 232 कैलोरीज, 232 का 232 का मधिया ज्यादा तो नहीं है खाने में नमक कम कर दीजिए, ठीक है, नमक जितना ज्यादा होगा सोडियम जितना ज्यादा होगा अगर सब रिटेंशन बढ़े। जो जीरा का पानी लोग पीते हैं, जीरा और सौंफ, जीरे का पानी हमेशा उन लोगों के लिए होता है जो गुर्दे के फेल को बेहतर करना चाहते हैं। अच्छा, जब गुर्दे का फेल बेहतर होगा तो यूरिनेशन ज्यादा होगी, रिटेंशन ऑफ वाटर कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है, जबरदस्त जी, एक ब्रेक आगा साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा आगा साहब, एक ऑडियंस में से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आगा साहब से, वो पूछ रही, माइक दीजिए उनको, माइक जल्दी से दीजिए, माइक में 20 सेकंड्स गुजर गए देने में, हाय जल्दी माइक का मुकाबला जी, अरे आप आगे चले जाओ यार, शर्मा क्यों रहे जी, पूछिए। ये बच्चों के हाइट बढ़ाने के लिए और हेल्थ के लिए। अच्छा, बच्चों मेरी की हेल्थ भी है लेकिन उनका हेल्थ नहीं बढ़ रहा जी। देखिए, हाइट बढ़ाने के लिए सच्ची बात कहूँ, दुनिया में कोई दवा नहीं होती, ये जितने भी टोटके छोटके दुनिया के नुस्खे पढ़ती हैं आप, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल करते हैं, और ये बात तय कर लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इज द स्टार्ट ऑफ कैंसर। ये जो उल्टी दवाएं मिलती हैं, दवाएं मत दीजिए, कैल्शियम खिलाइए, नेचुरल कैल्शियम खिलाइए, और इसके साथ साथ अगर आप दही को गाढ़ा करके, दही का पानी निकाल कर गाढ़ा दही बच्चों को खिलाएं तो उनकी हाइट इंशाल्लाह। अगर सब मैं जाता हूँ कल, क्योंकि आप जा रहे हैं यहाँ से और ये अपने हाथों से किसी को भी जाके दे देंगे, जानान का बड़ा प्यारा गिफ्ट है, जहाँ बस चल के जाए अगर सब, चल के जाए अगर सब, चल के जाए अगर सब, घूमे थोड़ा घूमे अगर सब, थोड़ा और घूमे थोड़ा सा अगर सब, प्लीज आंखें बंद, आगे बंद, आंखें बंद, आगे, अब जिसको मर्जी दे दें आप, जो जो सामने। बात ये है, अभी इस वक्त तो नहीं है, मैं आपको निकाल के बस, ठीक है, वो मैं यहाँ किसी को देख रही हूँ क्योंकि बार बार आगे करती हूँ।